हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज का मेन्यू है सोयाबीन वेज पुलाव जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है विद आलू रायता सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो या गाइज हम बनाने वाले हैं सोया वेज पुलाव तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा न्यूट्री जो कि बनी होती है सोयाबीन से तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और प्रोटीन से भरी होती है और हम जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है तो हम सबसे पहले न्यूट्री को अच्छे से बॉईल कर लेंगे बॉईल करने के बाद वॉश कर लेंगे वॉश करने के बाद हम अच्छी तरीके से उसके सारा एक्सेस वाटर रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम पुलाव बनाने के लिए चावलों को अच्छी तरीके से हम दो से तीन बार धो लेंगे और उसके बाद हम उसे 20 मिनट के लिए एटलीस्ट 20 मिनट के लिए उसे भिगा के रखेंगे जिससे कि वो सारा वाटर जो है वो सोख कर ले और अच्छे से हमारे चावल जो प्लाव के चावल बनेंगे वो खिले खिले बनेंगे तो या हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा तड़के का तो उसके लिए मैंने सबसे पहले गार्लिक को चॉप कर लिया है जिंजर को ग्रेट कर लिया है और अनियन को मैंने लंबे स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है और उसके बाद मैंने कुकर में ऐड किया है मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से पका लेंगे पहले क्योंकि अगर हम नहीं पकाएंगे तो उसमें थोड़ी सी हमें स्मेल आएगी कच्चे तेल की और उसके बाद मैंने उसमें ऐड करे हैं अपने खड़े मसाले मसालों को ऐड करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया है गार्लिक और गार्लिक को हम हल्का सा गोल्डन सा ब्राउन होने देंगे और उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी अनियंस और अनियन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और हम उसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जिससे कि वो जले नहीं अब आप देख सकते हैं मेरा जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर जो कि मैंने ग्रेट किया था अगर आपके पास अवेलेबल है पेस्ट तो आप वो भी डाल सकते हैं बट मुझे ऐसे वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है जो मैं इंस्टेंट करती हूँ सब कुछ गार्लिक और जिंजर इसका टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छा आता है रेदर दैन पेस्ट सो सबका अपना अपना मैथड होता है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और चलते हैं हम अपने तड़के की तरफ तो आप देख सकते हैं मेरे तड़के ने ऑयल रिलीज़ कर लिया है इट मीन्स ये रेडी हो गया है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटोज़ तो टोमेटोज़ मैंने लिए हैं फ़ोर टू फाइव टोमेटोज़ आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डालें जो भी आपने अनियन टोमेटो जो भी लेना है सो so, थोड़ा सा स्टर करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने बेसिक मसाले जो कि होते हैं नमक मिर्च और धनिया पाउडर गरम मसाला और हल्दी पाउडर वो सब मैं ऐड कर दूँगी और मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ अगर आप चटपटा खाते हैं तो आप अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग डाल दें सारे मसाले डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इसको फ्राई होने देंगे हम कुकर uh, की लिड लगा देंगे जिससे कि वो अच्छे से पक जाए और हमारे कोई भी मसाले कच्चे ना रहें और हम इसको अच्छे से पका लेंगे भून लेंगे सो so, जब तक हमारा मसाला रेडी होता है तब तक मैं अपनी वेजीज रेडी कर लूँगी पुलाव में डालने के लिए तो मैं ऐड कर रही हूँ मटर आलू और मैं इसको अच्छी तरीके से मसाले में ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें सोया चंक्स भी डाल दूँगी जो कि न्यूट्री और मैं उसको अच्छे से तब तक भूनूंगी जब तक कि सारा मसाले से वो मिक्स ना हो जाए और आप इसे अच्छे से टाइम लेके भूनें जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा तो जब तक मेरी वेजीज भुन रही हैं तो हम अपनी चावलों की तरफ़ बढ़ते हैं तो चावल जैसे कि आपने देखे थे हमने भिगा के रखे थे तो वो अब सारा एक्सेस वाटर हम ड्रेन कर लेंगे और अब उसके बाद हम इसको भी अच्छे से वेजीज़ के साथ मिक्स कर लेंगे सारे के सारे चावलों को और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे इससे ये थोड़ा सा अलग ट्रिक होता है ये इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पुलाव आप चाहें तो सिंपल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने भून लिया है अपने चावलों को और अपनी वेजीज को और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और पानी हम लेंगे चावलों के अकॉर्डिंग आपके चावल कितना पानी लेते हैं आप उसके हिसाब से देख लें क्योंकि हर चावल की क्वालिटी अलग होती है और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मैगी मैजिक मसाला ये ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें और इससे थोड़ा सा टेस्ट मेरे को अच्छा सा लगता है इसलिए मैं ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें दो सीटी लगा लेंगे और हम बढ़ते हैं आलू के रायते की तरफ तो आलू के रायते के लिए मैंने आलू अपने बॉईल कर लिए थे और दही मैंने अच्छे से बीट कर लूँगी और बीट करने के बाद मैंने उसमें आलू अपने हैंड से ही क्रश करके डाल दिए हैं और इसका फ़्लेवर थोड़ा अलग लगता है हर मैंने आपको बताया ना हर एक चीज़ का फ्लेवर अलग होता है नाइफ़ से आप कट करोगे तो उसका फ़्लेवर थोड़ा अलग आता है और अगर आप हाथों से ही अपने आलू को तोड़ के डालोगे तो उसका फ़्लेवर अलग आएगा और मैं ये इसमें नमक मिर्च कोई भी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये बच्चे भी खाते हैं और मैंने इसमें ऐड किया है नमक मिर्च थोड़ी सी लाल मिर्च और काली मिर्च और इसके बाद मैंने इसमें रायते के तड़के के लिए मैंने इसमें डाला है प्याज जो कि मैंने लम्बे स्लाइसेस में कट कर लिया था और हरी मिर्च मैंने बड़ी 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 काटी है जिससे कि बड़े लोग तो खा लेंगे बच्चों के मुंह में ना आए और मैंने इसके बाद मैंने ये फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और मैं इसको अपने रायते में ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारा रायता रेडी है आप चाहें तो इसे बिना तड़के के भी खा सकते हैं ये वैसे भी टेस्टी लगेगा बट इसे तड़का डाल के इसका टेस्ट और अच्छा आ जाता है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे चैनल और हाँ जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं इससे आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकेंगे और हाँ अगर आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी और घर में सबको कैसी लगी तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय